सुनो लड़कियाँ लड़कों, व्हाट इज अप। क्या आपको पता है WHITE444 कैसे फेमस होगा? आप लोग सोचते हो कि WHITE444 के ऊपर जब कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि वो हैकर है बहुत ज़्यादा वाला, और वो हैक करके मारता है, उसने एम्बॉड लगा रखा है, तब जाके वो फेमस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो आज की वीडियो में ऐसे कुछ बताऊंगा, और इसमें चार यूट्यूबर और ऐसे हमारे इंडिया के एंड थोड़े बाहर के कंट्री के, जो अपने गेम प्ले की वजह से कुछ उन्होंने ऐसे काम किए जो बहुत ज़्यादा वाले फेमस हुए हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक इतना बहुत ही ज़्यादा वाला मजा आएगा। नहीं यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। ओ कर दिया लाइक एंड सब्सक्राइब, बहुत बड़े यार तुम तो पिरो हो रहे हो। जो हमारा फिफ्थ नंबर पे जो प्लेयर निकल गया था उसका नाम है Badge99, एंड Badge99 को कौन नहीं जानता होगा भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा वाली ऑसम वीडियो बनाता है गाइस, ये बंदा बहुत ही अच्छी तरह लोगों को हंसाता है वीडियो बना के। तो गाइस, क्या आपको पता है Badge99 कैसे फेमस हुआ था, कब इसका कौन सा वीडियो वायरल हुआ था, और ये किस तरीके से फेमस हुआ? प्रैंक चल रहे ना आजकल, जो लोग प्रैंक लेकर आ रहे, 999+ प्रैंक, नूब प्रैंक, ऐसे करके। तो Badge99 ने गाइस उस टाइम पे स्टार्ट किया था डीजे एडम से खेलना, एंड उसने डीजे एडम नाम रखा था गाइस। पहले आपने देखा होगा डीजे एडम, एडम आता ना गाइस, अब तो प्रेमिस हो गया उसका नाम, तो पहले एडम था गाइस। तो सबसे पहले Badge99 लेके उसको खेलता था, तब कोई भी यार डीजे एडम को लेके नहीं खेलता था, सब सोचते थे ये बंदे को लेके कुछ फायदा नहीं है, इसके अंदर कुछ भी एबिलिटी नहीं है, तो गाइस कोई भी लेके नहीं खेलता। लेकिन उस टाइम पे Badge99 ने उसको लेके खेला, एंड उसके साथ में वीडियो बनाई, और 999+ प्रैंक भी सबसे पहले Badge99 ने किया था, और जितने भी डीजे एडम वाले प्रैंक गाइस सबसे पहले Badge99 ने किए थे। तो तभी से ये बंदा बहुत ही ज्यादा वाला फेमस है लोगों को हंसाने के लिए, एंड अपनी वीडियो जिस तरीके से बनाता है गाइस, तो कोई ऐसी फेमस नहीं आते, और उसके पीछे बहुत सारी वाली चीजें होती हैं, बहुत सारे वाली मेहनत लगती है। फोर्थ नंबर पे प्लेयर निकल गया था, उसका नाम है नॉन स्टॉप गेमिंग। नॉन स्टॉप गेमिंग को यार बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो गाइस मैं एक बात बता देता हूं आपको, ये बंदा बहुत ही ज्यादा वाला लेजेंड है इंडिया सर्वर का, क्योंकि गाइस तब हम दूसरे बंदों को देखते थे बाहर की कंट्री वालों को, तो ये बंदा उनके साथ में खेलता था उनकी कंट्री में जाके, एंड इस बंदे ने बहुत बात बनाई है उन बंदों से, अपनी कंट्री में ले गया है बाहर वाले बंदों को, जितने भी यूट्यूबर हैं उनको हमारे साथ में कस्टम कराया, उनके साथ में वीडियोज बनाई, एंड उनको कस्टम में दिखाया कि वो रियल में कैसा खेलते हैं और वीडियोस में कैसा खेलते हैं। वो लोग तो बहुत ही ज्यादा वाला ऑसम खेलते हैं वीडियोस में भी और रियल कस्टम में भी। तो गाइस बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको नॉन स्टॉप गेमिंग लेके आया था, विंसेंट जो हुआ, BNL हुआ, B2K हुआ, बहुत सारे लोगों के कस्टम कराए गाइस इंडिया में आके, एंड फिर लोगों ने क्या किया, राइस्टार जो हमारा इंडिया का प्लेयर था, राइस्टार को तो पता है बहुत ही ज्यादा वाला पिरो प्लेयर है इंडिया का, तो बाहर की कंट्री वाले लोगों ने भी यही किया कि राइस्टार को ले गए वो अपनी कंट्री में, और राइस्टार के साथ में कस्टम किया, एंड ये क्रेज सबसे पहले नॉन स्टॉप गेमिंग ने लाया था, उसके बाद भी राइस्टार बाहर गया था कंट्री। यार तो बहुत अच्छी वाली बात है, हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा वाला सपोर्ट मिला नॉन स्टॉप गेमिंग की वजह से। तो भाई ये बंदा तो लेजेंड ही कहेंगे यार, आप लोग नहीं कहोगे गाइस कोई बात नहीं लेजेंड, लेकिन इस बंदे को तो मैं लेजेंड ही कहूंगा, एंड इसके लिए सभी लोग एक साथ लाइक कर देना। जो हमारा थर्ड नंबर पर प्लेयर निकल के आता है उसका नाम है एप्लपाटो को आप लोग जानते नहीं, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों की, बहुत दिन वाला पहले फेमस होता है एप्लपाटो गाइस। तुम लोग बॉडी शॉट मारते थे, तुमको हेड शॉट के बारे में पता ही नहीं था। एप्लपाटो एक करके बंदा है गाइस, यहाँ का बंदा नहीं, फॉरेन का बंदा है, दूसरी कंट्री का बंदा है। ये बंदा मोबाइल से हेडशॉट मारता है उस टाइम पे, इस बंदे को सारी नॉलेज थी हेडशॉट के बारे में, तब हमको पता भी नहीं था जब हम बॉडी शॉट मारते थे कि हेडशॉट चीज क्या होती है भाई साहब, रेड नंबर भी कोई चीज होती है, तब ये बंदा हेडशॉट मारता था गाइस। एंड बहुत सारे वाले बंदों को इसने बताया था कि मोबाइल पे भी ऐसे हेडशॉट लगते हैं, तो जो बंदे भी गाइस पीसी पे खेल लेते फ्री फायर, इसको देख के वो बंदे ही फोन पे खेलने लगे कि हम भी फोन पे खेलेंगे यार, जब ऐसा बंदा ये हेडशॉट मार सकता है फोन में तो हम क्यों नहीं मार सकते। तो यार ये बंदे ने बहुत अच्छा वाला क्रेज लाया था फोन में, और गाइस इसकी वजह से मेरे को लगता है 1 बिलियन डाउनलोड प्लस हो गए हैं आज फ्री फायर के, इस बंदे की वजह से, क्योंकि लोगों को लगा कि हाँ यार फोन में भी बहुत अच्छा वाला हेडशॉट लग सकता है और गेम प्ले हो सकता है। एंड गाइस इसके चैनल पे अभी आप लोग जाके देख सकते हो 1 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर हैं, और मिलियंस में सब्सक्राइबर है गाइस इस बंदे के, एंड अभी तो थोड़ा इतना व्यूज आना कम हो गया है, लेकिन ये बंदा पहले एक एक महीने में वीडियो डालता था ना, तुरंत इसकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ जाते थे। अब तो थोड़ा क्रेज कम हो गया, लोग नहीं जानते क्योंकि बहुत सारे वाले प्लेयर हो गए, लेकिन ये बंदा भी एक लेजेंड है गाइस, बहुत ही तगड़ा वाला। गाइस सेकंड नंबर का जो प्लेयर है उसका नाम है लॉरिम, एंड लॉरिम का ऑफिस बहुत सारे लोग जानते हो गाइस, मतलब ये बंदा फोन में खेलता है, और ये जो लॉरिम बंदा है ना गाइस, इसकी स्ट्रीम अगर आप लोग जाके देखोगे ना, तो इसकी स्ट्रीम में ज्यादातर लोग ये लिखते हैं हैकर हैकर हैकर, एंड ऑल द टाइम इस बंदे को गाइस सभी लोग हैकर हैकर बोलते रहेंगे। एंड इस बंदे के अंदर एक और खासियत है गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूं, ये बंदा ओनली हेडशॉट मारता है ओम से, डबल स्नाइपर से, इसको तुम कोई भी स्नाइपर पकड़ा दो इसके हाथ में, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट मारेगा। एंड ये बंदा क्रेज लाया था मोबाइल में हेडशॉट मारने का, पीसी में तो आपने बहुत सारे लोग स्नाइपर चलाने वाले देखे होंगे, लेकिन ये पहला बंदा था जो मोबाइल से इतने अच्छे हेडशॉट मारता था। आपको पता होगा यार, जब आप फोन की स्क्रीन पकड़ते होंगे अपने हाथ में तो बहुत छोटा छोटा सा दिखता होगा, एंड इतने छोटे बंदे दिखने के बावजूद भी भाई साहब आप इतना अच्छा हेडशॉट मार सकते हो, तो गाइस वो बंदा लॉरिम जो इतना अच्छा हेडशॉट मार सकता है। एंड गाइस इसके चैनल अगर आप चेक करोगे यूट्यूब पे लॉरिम डाल के, तो गाइस इसने सिर्फ 15 वीडियोज ही अपलोड कर रखी है, और इसके सब्सक्राइबर मिलियंस में, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि
ये बंदा कितना खतरनाक वाला लेजेंड है कि 15 वीडियोस में भाई साहब इसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है। तो यार ये देख के तो मैं भी चौंक गया था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट नंबर पर प्लेयर निकल का था द वन ओनली पीरो आदमी, उसका नाम है WHITE444। एंड WHITE444 कैसे फेमस हुआ था, WHITE444 को तो अभी तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर आप उसका चैनल चेक करोगे 3 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर है मिलियंस में, उसको जानते हैं 30 या 40 मिलियन लोग इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उसके इतने सब्सक्राइबर नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं है, जस्ट उसको जानते हैं कि हाँ कोई प्लेयर है WHITE444 वो अच्छा खेलता है, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं उसको। 30 या 40 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जानते होंगे लेकिन उसके सब्सक्राइबर हैं 3 मिलियन। तो गाइज ये पॉपुलर कब हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। जब नूबलो एक बंदा है गाइज ब्राज़ील का, आप लोग जानते हो, वो बहुत ही ज़्यादा वाला फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा वाला फेमस है यार फ्री फायर की। वो बंदा नूबलो फ्री फायर खेलता है एंड 100 भी लोग मेरे को लगता है वर्ल्ड में सभी जानते होंगे उसको। तो गाइज नूबलो के साथ जब WHITE444 का फाइट हुआ था तो ऐसे तो आपने कस्टम देखे होंगे कि हाँ इसने इसको हरा दिया, लेकिन कभी आपने ऐसे देखा कि इतना बड़ा प्लेयर 07 से हार गया हो। तो गाइज WHITE444 के पॉइंट थे 7 और नूबलो के 0, मतलब 7-0 से हराया था WHITE444 ने नूबलो को। एंड जो भी बंदा इसको देखता था कि हाँ ओ भाई ये क्या है, जो अब नूबलो की इज्जत कम हो रही थी और उसके गाइज फैन फॉलोइंग जो भी थी है ना गाइज हारने के बाद नूबलो ने दिया उसको, ठीक है, क्योंकि सबको पता चला कि नूबलो की एक साइड में मानता हूँ गाइज जो बंदे नूबलो को जानते हैं ना वही बंदे उसको सब्सक्राइब करते हैं WHITE444 को जाके। तो सारी फैन फॉलोइंग नूबलो की WHITE444 को मिल गई गाइज, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वाला पॉपुलर हो गया था WHITE444। एंड गाइज आई होप तुमको समझ में आ गई होगी यार चीज़ें कि WHITE444 कैसे फेमस हुआ ना, हमारे इंडिया के बहुत सारे प्लेयर भी कैसे फेमस हुए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सलाम सत श्री अकाल नमस्ते गाइज।